छिंदवाड़ा का जिक्र करेंगे। बीजेपी सांसद बंटी साहू का बड़ा बयान सामने आया, कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों का विरोध किया है। चुनाव के समय बीजेपी में क्यों नहीं हुए शामिल, ये भी कहा सत्ता के कारण बीजेपी में आना अब लोग चाह रहे हैं, अब सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की चलेगी। बंटी साहू अकेले की नहीं, हमारे जिला अध्यक्ष की और एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की, जिन्होंने चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ली है, वो आज हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनके मान सम्मान की भी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब भैया हमारी साथ, हम जीत गए, दिल्ली में सरकार बन गई, अभी कुछ लोग आना चाह रहे हैं और अभी एक चिट्ठी चिट्ठी चल रही है, कुछ चिट्ठी लिखवाने का काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं आए भैया? लोगों की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही। क्यों नहीं आए विधानसभा चुनाव के समय? क्यों नहीं आए लोकसभा चुनाव के समय? लेकिन अब जब हम जीत गए, उनको दिख रहा है कि भैया अब सब काम खत्म, तब वो चुनाव के बाद आना चाह रहे हैं। चिट्ठी में लोगों से लिखवाया जा रहा है, मेरा विरोध है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ सत्ता के कारण अब हमारे बीच में आना चाह रहे हैं। इसलिए पहले ही मैंने कहा, अब चलेगी तो किसकी चलेगी? भाजपा के कार्यकर्ताओं की चलेगी। और कितने परसेंट वाले? 100% वाले। आज अवसरवादी नेताओं को नहीं लेना था, अवसर साधने के लिए आते उनको नहीं, बिल्कुल नहीं। इंदौर में युग पुरुष आश्रम में धांधली की शिकायत